हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह एक कहानी है, चपरासी अफसर कैसे बना। एक लड़का जो करीब 23 साल की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने उससे कहा, अगर तुमने यह फर्श अच्छे से साफ किया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम अच्छे से चमका दिया। जैसे ही मालिक ने देखा तो वह देखते ही कहा कि तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। दूसरे दिन बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा, अपनी एक फोटो आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी बतानी होगी। तो उस आदमी ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास ना कोई कंप्यूटर है ना ही मेरे पास कोई ईमेल आईडी है। बॉस ने तुरंत कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए होती है और यह अनिवार्य है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। अब वह व्यक्ति बहुत ही निराश हुआ और वहां से चला गया। और अब वह सोचने लगा कि घर पर बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, और उसके पास केवल 500 रुपए थे। उसने फैसला किया कि वह सब्जी बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेगा। उसने 500 रुपए के आलू खरीदे और 2 घंटे में उसके सभी आलू बिक गए। और उसने फिर से 500 रुपए के आलू खरीदे और फिर से बिक गए। इस तरह उसने 3 बार 500 रुपए के आलू खरीदे और सारे आलू बिक गए और दिन के अंत में उसे काफी मुनाफा हुआ। घर आकर उसने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी मुनाफा कमा लूंगा। उसने 6 महीने तक यही काम किया और जब उसके पास काफी रुपए इकट्ठे हो गए तो उसने सब्जी की एक रेडी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्जी बेचनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का थोक का काम शुरू कर दिया। अब हर दिन 10 से 15 ट्रक तक सब्जी डिलीवरी करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रखा था। कुछ सालों बाद उस आदमी ने अपना बड़ा नाम कमा लिया था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बीमा करवा लूं। इसके लिए उसने बीमा वाले को घर बुलाया। जब दलाल उस व्यक्ति का बीमा कर रहा था तो उस दलाल ने उस व्यक्ति आदमी से ईमेल आईडी पूछी। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी ईमेल आईडी नहीं है। दलाल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप जानते हैं अगर आपकी ईमेल आईडी होती तो आप कहाँ होते। वह व्यक्ति थोड़ी खामोशी से बोला, अगर मेरा ईमेल होता तो मैं आज एक चपरासी होता। यह बात बीमा करने वाले दलाल को समझ में नहीं आई और पता है कि आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि उसके पास ईमेल आईडी होती तो वो कहाँ होता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।